नमस्कार, स्वागत आप लोगों का डेपोडिल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुखदेव हिलेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के द्वीपों के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था बंगाल की खाड़ी के द्वीप, और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है इसमें अंडमान एवं निकोबार, उत्तर में अंडमान है, दक्षिण में निकोबार है। यह जो समूह है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो म्यांमार के एक पर्वत अराकान योमा के जलमग्न होने से हुई है। अराकान योमा पर्वत के जलमग्न होने से हुई है। यह जो पर्वत है अराकान योमा, इसका कहते हैं कि यहां तक, यानी कि जो ग्रेट निकोबार द्वीप है यहां तक विस्तार था, लेकिन समय के साथ अपरदन और अपक्षय की क्रियाओं के कारण यह जो है वो कटाव के कारण इसका जो ऊंचाई है वो कम हो गई, और धीरे धीरे इसमें समुद्र में जो इसका भाग है वो कुछ कहीं पर ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है, जिसे हम लोग द्वीप कहते हैं। तो अराकान योमा के कारण इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और इसके कुछ द्वीपों की उत्पत्ति जो है वो ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण मानी जाती है। यह जो समूह है इसके पूर्व में नारकोंडम और बेरन दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसमें बेरन स्थिति और नारकोंडम जो है वो सुप्त ज्वालामुखी है। यहां पर प्रमुख द्वीपों में हम लोगों ने पढ़ा था कि इससे उत्तर में उत्तरी अंडमान है जहां इसकी सबसे ऊंची चोटी सेडल पीक है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिण अंडमान पर इसकी राजधानी है जो पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान के बाद 10 डिग्री चैनल है जो इसे कार निकोबार से अलग करता है। फिर जो है वो लिटिल निकोबार है, और सबसे दक्षिण में है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है वो ग्रेट चैनल द्वारा इंडोनेशिया एवं सुमात्रा द्वीप से अलग होता है, और ऊपर कोको चैनल द्वारा अंडमान निकोबार जो है वो म्यांमार से अलग होता है। यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी के अन्य द्वीप। बंगाल की खाड़ी में अन्य जो द्वीप है, जैसे इसके अलावा अंडमान निकोबार के अलावा अन्य द्वीपों की अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण द्वीप और है जिनके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, एग्जाम की दृष्टि से जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर जो द्वीप है इसमें अंडमान निकोबार के अलावा सबसे उत्तर में, यानी कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर में पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द यहां पर दो द्वीप है जो महत्वपूर्ण है। एक द्वीप तो यहां पर है और एक द्वीप है यहां पर। अब इस द्वीप का नाम है गंगा सागर, और इस द्वीप का नाम है न्यू मूरे। गंगा सागर और न्यू मूरे दो द्वीप हैं। गंगा सागर जो द्वीप है यह द्वीप, यहां से एक नदी आती है, हम लोगों ने बात की थी गंगा की एक वितरिका है हुगली, इसका नाम है हुगली। हुगली नदी के मुहाने पर है गंगा सागर द्वीप। इसके पूर्व में है न्यू मूरे। न्यू मूरे जैसा आपको दिख रहा है कि ये बांग्लादेश बॉर्डर है, और ये बॉर्डर के बिल्कुल सामने है। इसका मतलब यह है कि ये भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के सामने होने के कारण दोनों देशों के बीच विवादित है। कौन सा? न्यू मूरे। यह किस नदी के मुहाने पर है? तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है वो गंगा नदी के मुहाने पर है, क्योंकि गंगा या मेघना नदी जो आकर के यहां पर गिरती है तो वैसे हम लोग इसको गंगा मानते हैं। तो यह गंगा नदी के मुहाने पर है न्यू मूरे, गंगा नदी द्वारा निर्मित द्वीप है, और हुगली नदी के मुहाने पर है गंगा सागर, यह जो है वो हुगली द्वारा निर्मित है। अब न्यू मूरे जो द्वीप है वो दोनों देशों के बीच लंबे समय तक विवादित रहा, उसके बाद में दोनों देशों ने आपसी समझौते के अंतर्गत इस द्वीप का बंटवारा कर लिया, यानी कि इसका भाग जो है वो बांट लिया बांग्लादेश और भारत ने, और इसका जो भाग भारत के हिस्से में आया वो भाग जलमग्न है, यानी कि वर्तमान समय में न्यू मूरे द्वीप का वो हिस्सा जो भारत के पक्ष में आया था वो जलमग्न है, और बांग्लादेश के पक्ष वाला जो हिस्सा है वो आज भी ऊपर उठा हुआ। तो ये न्यू मूरे द्वीप है और ये गंगा सागर द्वीप है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको यूं पूछा जाएगा कि हुगली नदी के मुहाने पर, हुगली नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप स्थित है?
हुगली नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा सागर। अगर यहां पर यूं आ जाए कि गंगा नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप स्थित है, तो इसका मतलब हो जाएगा न्यू मुरे। इस प्रकार से हमें जो है वो उत्तर देना है कि ये जो दोनों द्वीप है वो इन दोनों वितरिकाओं के, इन दोनों नदियों के मुहाने पर स्थित है। इसके बाद में हम लोग जैसे दक्षिण की ओर आगे बढ़ते तो उड़ीसा आ जाता है। उड़ीसा तट के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है जो यहां पर महानदी आकर के गिरती है और महानदी के जस्ट दक्षिण में स्थित है। यहां पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है यथा वहीलर, वहीलर द्वीप। इसका पहले नाम था वहीलर द्वीप, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो विल्लर द्वीप है वर्तमान में इसका जो नाम है वो विल्लर नहीं है। इसका नाम जो है वो 4 सितंबर 2015 को बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया। इसका नाम क्या कर दिया है? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है, क्योंकि यह जो द्वीप है वो मिसाइल प्रक्षेपण के लिए जाना जाता है। यानी कि इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यह मिसाइल प्रक्षेपण के लिए जाना जाता है। यहां मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। भारत जो अपनी मिसाइलें प्रक्षेपित करता है वो कहां से करता है? विल्लर द्वीप से करता है। और भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वो कहलाता है अब्दुल कलाम जी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिसाइलों के निर्माण में इनका बहुत अतुल्य योगदान था, इसलिए इसे हम कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और मिसाइलों के लिए प्रसिद्ध द्वीप कौन सा है? तो वह आपका विल्लर है। यहां से भारतीय मिसाइलें प्रक्षेपित की जाती है, भारतीय मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है, इसलिए इस द्वीप का नाम क्या रख दिया गया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। तो ये द्वीप किसको समर्पित कर दिया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित कर दिया गया। बड़े महान वैज्ञानिक थे भारत के इतिहास के, और इसी कारण जो है वो आजकल ये कलाम द्वीप कहलाता है, क्योंकि यहां से मिसाइलें प्रक्षेपित की जाती है। तो क्वेश्चन यूं पूछा जाता है कि भारत के किस द्वीप से मिसाइल प्रक्षेपित की जाती है? तो वो है विल्लर। विल्लर द्वीप किस राज्य के मुहाने पर या किस राज्य का भाग है? तो ये उड़ीसा, उड़ीसा राज्य के बिल्कुल तट के नजदीक एक द्वीप है विल्लर, और आजकल इसे कहते हैं अब्दुल कलाम द्वीप, जो मिसाइलों के लिए प्रसिद्ध है, मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है, यहां पर स्थित है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है यह, इसलिए इसका नाम कलाम द्वीप कर दिया गया। तो यह है विल्लर द्वीप। इसके और दक्षिण की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक और द्वीप आता है जो कि इसी तरह है, अति महत्वपूर्ण है। इसका नाम है आंध्र प्रदेश तट के निकट, यहां पर एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा। क्या नाम है? श्री हरिकोटा। यह भी विल्लर द्वीप की तरह ही इंपॉर्टेंट है। यह द्वीप कहां स्थित है? सबसे पहले तो यू पूछा जाता है, तो हम लोगों ने यह पढ़ लिया कि आंध्र प्रदेश तट के निकट स्थित है। आंध्र प्रदेश में यहां पर एक लेगून झील है, यह प्रश्न पीछे पूछा गया था। यहां पर एक झील है, इस झील का नाम है पुलिकट। पुलिकट झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक लेगून झील है जिसका नाम है पुलिकट। पुलिकट झील के मुहाने पर एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है यह आंध्र प्रदेश तट के निकट स्थित एक द्वीप है जो किस लिए प्रसिद्ध है? अगर हम ये बात करें तो यह द्वीप जो है वो
उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि भारत जो अपने कृत्रिम उपग्रह बनाता है या जो सैटेलाइट हम लोग प्रक्षेपित करते हैं अंतरिक्ष में जो छोड़ते हैं, वो कहां से छोड़े जाते हैं? वो श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं। तो यहां पर आप लोगों को दोनों की तुलना ध्यान में रखनी है कि हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हुगली और गंगा सागर द्वीप आते हैं, सॉरी गंगा सागर और न्यूमरे द्वीप आते हैं। गंगा सागर हुगली के किनारे और न्यूमरे गंगा के किनारे है। दक्षिण की ओर आते हैं तो विल्लर द्वीप आता है। विल्लर द्वीप जो है यह द्वीप उड़ीसा तट के निकट स्थित है और मिसाइल प्रक्षेपण के लिए जाना जाता है। इसके बाद में इसके दक्षिण में आंध्र प्रदेश तट के निकट एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा जो द्वीप है यह द्वीप उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। तो हम इसकी विशेषताओं की बात पढ़ते हैं कि श्रीहरिकोटा जो द्वीप है यह द्वीप मिसाइल प्रक्षेपण के लिए तो विल्लर द्वीप है, यह द्वीप उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है या यहां से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। यहां पे एक इसरो का जो अनुसंधान संस्थान है, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है वो यहां पर स्थित है। तो यहां पे अंतरिक्ष यानी कि यहां पे अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का एक संगठन है जो यहां पर स्थित है। इसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। और यहां से भारत जो है वो अपने कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है। कृत्रिम उपग्रह जो है वो यहां से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो इस प्रकार से उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। आपको क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है, श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उपग्रहों के लिए। दूसरी बात यह है किस झील के मुहाने पर है? तो यह पुलिकट झील के मुहाने पर है। यह द्वीप किस राज्य से लगता है? तो यह आंध्र प्रदेश से लगता है। इस प्रकार से ये तो श्रीहरिकोटा की बात होगी। हम लोग और दक्षिण की ओर जाते हैं तो एक और महत्वपूर्ण द्वीप आता है भारत और श्रीलंका के बीच में। यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है, इस द्वीप का नाम है पंबन या रामेश्वरम। पंबन या रामेश्वरम, अब ये कहां है? ये तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। यानी कि ये जो राज्य यहां पर लगता है इसका क्या नाम है? इसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु के राज्य के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है इस द्वीप का नाम है पंबन या इसे हम लोग रामेश्वरम कहते हैं। अब रामेश्वरम द्वीप जो है वो फिर किससे जुड़ा हुआ है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहां पर हुआ था? रामेश्वरम में हुआ था। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम के ऊपर इस द्वीप का नाम रखा गया विल्लर द्वीप का। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म स्थली रहा है रामेश्वरम द्वीप। और इसका दूसरा नाम है पंबन द्वीप। यह कहां पड़ता है? ये तमिलनाडु के दक्षिण में पड़ता है और यह श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में पड़ता है। रामेश्वरम जो द्वीप है इस द्वीप का दक्षिणी भाग, ये जो दक्षिणी भाग है इसका नाम है धनुषकोडी। क्या नाम है? धनुषकोडी। रामेश्वरम द्वीप का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? धनुषकोडी कहलाता है। और यहीं से धनुषकोडी से आगे आपको ये जो बिंदु से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक पुल की शुरुआत होती है, एक राम सेतु जिसको हम बोलते हैं उसकी शुरुआत होती है। तो इसके दक्षिण से ही यानी कि धनुषकोडी से राम सेतु या जिसको बोलते हैं आदम ब्रिज, राम सेतु या जिसको हम लोग आदम ब्रिज बोलते हैं, एडम ब्रिज बोलते हैं, उसकी शुरुआत होती है। तो ये श्रीलंका और इस रामेश्वरम के बीच में
ये यहाँ पे जो है वो है आपका राम सेतु, जिसको ऐतिहासिक या हम लोग कहते हैं कि जो रामायण के काल में एक पुल का निर्माण भगवान श्री राम और वानर सेना ने मिलकर के किया था, वो जो पुल है, वो ऐतिहासिक जो पुल है श्रीलंका और भारत के बीच में, वो यही है जिसको हम लोग राम सेतु या आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं। इस पुल के उस टाइम के अवशेष आज भी यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर जो है वो इसके अवशेष पाए जाते हैं। और इसको अवशेष को, इस चित्र को हटाने के लिए भी जो है वो एक बार सरकार ने आदेश दे दिया था, क्योंकि होता क्या है कि एक्चुअली जैसे ये तमिलनाडु का भाग है और ये जैसे तमिलनाडु का भाग है, या इधर जैसे जाना हो, कोई भी जैसे जलयान होता है उसको अगर यहां से, या हमने मान लिया यहां कोच्चि से अगर यहां चेन्नई जाना है तो उसको फिर यहां से होकर के जाना पड़ता है इस प्रकार से, क्योंकि ये जो राम सेतु है या जिसको आदम ब्रिज बोलते हैं, यहां पर जो चट्टाने है वो ऊपर उठी हुई है, हालांकि ऊपर जल से ऊपर नहीं है लेकिन जल के अंदर ऊपर उठी हुई है। इस पुल का जो अवशेष भाग बचा हुआ है वो यहां से जाने वाले समुद्री जहाजों या जलयानों के लिए रुकावट पैदा करता है, इसलिए सरकार ने कहा कि ये जो भाग है, ये जो पुराना जो अवशेष बचा हुआ है, इसको तोड़ दीजिए, और इसको तोड़ देंगे तो फिर जहाजों को यहां से भी गुजारा जा सकता है, इसलिए जो है वो ये आदेश जारी हुआ था। लेकिन बाद में राम सेतु बचाओ अभियान जो है वो चला था, और फिर इसको जो है वो कहा कि ये ऐतिहासिक है, ये रामायण काल का है, हजारों सालों से इसका इतिहास रहा है और ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ रहा है, इसलिए हम जो है वो इसको नहीं तोड़ सकते। तो ये वर्तमान में जो है वो विचाराधीन है। तो इस प्रकार से ये जो राम सेतु विवाद जिसकी हम बात करते हैं, वो यही विवाद है कि यहां से समुद्री परिवहन को सुगम बनाने के लिए इसको तोड़ने की बात हुई थी, लेकिन वर्तमान में यहां से जाना पड़ता है, तो इसका जो चक्कर है श्रीलंका का वो एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, इस चक्कर से बचने के लिए राम सेतु जो है वो तोड़ा जा रहा था। तो ये है आपका धनुषकोडी या पंबन या रामेश्वरम द्वीप जो तमिलनाडु के दक्षिण में पड़ता है। ये कुछ प्रमुख द्वीप हो गए, इसके अलावा कुछ और द्वीपों की हम बात करें तो यहीं पर मन्नार की खाड़ी में कुछ और द्वीप पड़ते हैं, जैसे कि यहीं पर है एक द्वीप, इसका नाम है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। मन्नार की खाड़ी में एक द्वीप है यहां पर जिसका नाम है क्रोकोडाइल, और एक और द्वीप है यहां पर जिसका नाम है अंडुड्डा। एक द्वीप का नाम है अंडुड्डा और एक द्वीप है क्रोकोडाइल, ये भी तमिलनाडु के दक्षिण में पड़ते हैं दोनों ही, क्रोकोडाइल और अंडुड्डा। तो इस प्रकार से दो और है। उड़ीसा की जो चिल्का झील है, उड़ीसा में यहां पर एक झील है चिल्का, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की या भारत की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है चिल्का। चिल्का एक लेगून झील का उदाहरण है, और चिल्का झील के बिल्कुल मुहाने पर, या हम यूं कहें कि चिल्का झील के बिल्कुल सामने यहां पर एक द्वीप है, इसका नाम है परीकुंट। चिल्का झील के मुहाने पर यानी कि उड़ीसा तट के साथ एक द्वीप है जिसका नाम है परीकुंड द्वीप। तो ये जो द्वीप है कुछ प्रमुख वो द्वीप है जो कि समुद्र में यानी कि खाड़ी में स्थित है। इसके अलावा एक द्वीप जो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं बार बार, हम लोगों ने नदियों में भी जिक्र किया था कि यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और फिर वो आकर के गंगा में मिल जाती है, ये बांग्लादेश में आकर के जमुना कहलाती है और फिर मेघना में मिल करके और बंगाली खाड़ी में चली जाती है। इसी नदी में एक द्वीप है आसाम में जिसका नाम है मानचोली। मानचोली या इसको मानचोली भी लिख देते हैं। ये जो मानचोली या मानचोली जो द्वीप है ये आसाम में पड़ता है, और किस नदी पर बना है तो यह बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित एक द्वीप है, यानी कि मानचोली एक नदीय द्वीप है।
और यह है विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदी द्वीप माना जाता है, आवासित करीबी। यह जो मांजोली द्वीप है इसको जिले का दर्जा दे दिया, यानी कि मांजोली जिला है किसका, आसाम का 35वां जिला है मांजोली। मांजोली आसाम का 35वां जिला घोषित है, वो किया जा चुका, क्योंकि जो मांजोली द्वीप है यह पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे घनी जनसंख्या का निवास है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है वो चावल की कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे कृषि होती है तो लोगों का यहाँ पर निवास है, इसलिए इसको जिला घोषित कर दिया गया और ये एक लोकसभा क्षेत्र का भी भाग है। मांजोली जो जिला है इससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि मांजोली भारत का एकमात्र नदीय द्वीपीय जिला है, या नदी द्वीपीय जिला है। मांजोली भारत का एकमात्र नदी द्वीपीय जिला है, यानी कि भारत की नदी जो है उनमें स्थित द्वीपों में ये एकमात्र ऐसा है जिसको जिला घोषित किया गया है। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी में और भी द्वीप है, लेकिन इस प्रकार का ऐसा कोई द्वीप नहीं है जिसको जिला घोषित किया गया हो। तो नदी द्वीप पर स्थित ये पहला जिला है कौन सा, मांजोली। कहाँ का जिला है, आसाम का। ये 35वां जिला है जिसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी में एक जिला घोषित होने का सौभाग्य प्राप्त है। तो ये मांजोली जो द्वीप है वो द्वीपों की कैटेगरी में हम बात करते हैं, तो यह एक नदी द्वीप है, और ये सारे क्या है, ये सारे हैं समुद्री द्वीप या ये सागरीय द्वीप है। हालांकि गंगा सागर और न्यू मुरे भी नदी किनारे स्थित है, या नदियों द्वारा इनको बनाने में नदियों का योगदान है, लेकिन ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो है वो वर्तमान में समुद्र में है, तो इनको सागरीय द्वीप भी माना जाता है। तो ये जो द्वीप है ये मुख्य प्रमुख द्वीप है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में कुल मिलाकर के वर्तमान में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 472 द्वीप पाए जाते हैं, कुल जो है वो 472 द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर कुछ प्रमुख द्वीपों के बारे में ही जिक्र किया है, वही द्वीप जो एग्जाम दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उन्हीं का हम लोग जिक्र करते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंडमान निकोबार, पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भारत के सर्वाधिक 9 राष्ट्रीय उद्यान और भारत के सर्वाधिक अभयारण्य है, और इसके अलावा जैसे हम लोगों ने जो है वो पढ़ा कि इस बंगाल की खाड़ी के उत्तर में गंगा सागर और न्यू मुरे द्वीप है, फिर विल्लर द्वीप है जिसको अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है 4 सितंबर 2015 के बाद, यहां से मिसाइलें प्रक्षेपित की जाती है, यहाँ पे भारतीय मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है और यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। इसके दक्षिण में परिकुंड द्वीप है, चिल्का झील के मुहाने पर उड़ीसा में ही है, फिर श्री हरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील के मुहाने पर है, और यहां से भारत जो है वो अपने कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करता है, इसलिए यहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान स्थित है। जिस प्रकार से मिसाइल टेक्नोलॉजी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आता है, ठीक उसी प्रकार से अंतरिक्ष अनुसंधान के मामले में डॉक्टर सतीश धवन का नाम आता है, इसलिए सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है वो श्रीहरिकोटा में स्थित है, और मिसाइल प्रक्षेपण संस्थान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा पर स्थित है। ये दोनों द्वीप जो है वो भारतीय अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो इस प्रकार से इनको आपको ज्यादा महत्व देना है। इसके बाद में है आपका रामेश्वरम या पंबन द्वीप। रामेश्वरम जो द्वीप है वो तमिलनाडु के दक्षिण में पड़ता है, इसे पंबन भी कहते हैं। यहीं पर जो है भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। इसका दक्षिणी भाग धनुषकोडी कहलाता है। धनुषकोडी से राम सेतु की शुरुआत होती है, और ये जो राम सेतु इसे आदम ब्रिज भी बोलते हैं, और इसके दक्षिण में अंडूडा और क्रोकोडाइल द्वीप भी स्थित है, और अंत में है आपका नदी द्वीप मांजोली जो कि आसाम का 35वां जिला घोषित हुआ है, और ये भारत का नदी द्वीप पर स्थित एकमात्र जिला है। तो ये तो थे आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित कुछ प्रमुख, यानी कि 472 द्वीपों में से कुछ मुख्य द्वीपों के बारे में यहां पर हम लोगों ने वर्णन किया। अब आपका जो बचता है वो बचता है अरब सागर में स्थित द्वीप, उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे।
यहां तक आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, द्वीपों को अच्छे से समझने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, तभी जाकर के इनमें से संबंधित क्वेश्चन उनको आप लोग कैच कर पाओगे। धन्यवाद।